वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, आज याद करेंगे लेजेंडरी गजल गायक जगजीत सिंह को। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती। अच्छा जल्दी से जो मेरी बात थी वो तो की नहीं। जगजीत सिंह को हमने ट्रिब्यूट दे रहे थे। जगजीत सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर में 8 फरवरी 1941 में पैदा हुए थे और पैदाइश के वक्त उनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, जगमोहन रखा गया था। और फिर उनको किसी ने बताया कि अगर नाम बदल लोगे तो बिल्कुल सितारे बदल जाएंगे और फिर उनका नाम जगजीत सिंह पड़ गया। सुन ले दरिया दिल की कसम साकिया मुस्तफिल। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, कई जबानों में इन्हें उबूर हासिल था। अपनी अहलिया चित्रा सिंह के साथ मिलकर गजलें गाया करते थे और जगजीत साहब तो हैं ही लेजेंड, लेकिन चित्रा जी की आवाज भी क्या मीठी आवाज, बहुत जबरदस्त किस्म की। यूं ही पढ़ती रहे, एक गिरता रहे, एक संभलता रहे, हर तरफ हर जगह बेशुमार। अच्छा लेकिन मैं एक बात बताऊं कि इनकी बड़ी ट्रेजिक जिंदगी रही, क्योंकि बेटे की मौत के बाद चित्रा सिंह ने तो बिल्कुल ही गाना छोड़ दिया और इनके ऊपर काफी असर पड़ा इस बात का। और फिर अक्टूबर 2011 को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ और 10 अक्टूबर को 2011 इंतकाल कर गया। बेटी ने गालिबन इनकी खुदकुशी भी करी। हाँ, बेटी ने खुदकुशी भी करी थी, वो उसको कोई डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज थे। चित्रा की बेटी थी एक्चुअली वो। अच्छा, बेटी चित्रा की थी और बेटा जो इन दोनों का था वो एक्सीडेंट में, यानी ही वाज सो यंग। So they are a very rags to riches kind of story. तो खानदानी सितारा शनास ने ये तो बता दिया कि नाम बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे, लेकिन सितारे दरअसल बदले नहीं, जिंदगी कितनी काजिक रही। बिल्कुल, मतलब आप फेम और फॉर्चून देखिए कहाँ तक इनको लेके गई, लेकिन पर्सनल लाइफ जो थी वो काफी उनकी ट्रेजिक रही। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जगजीत एंड चित्रा, तो इसमें तो हम बहुत कुछ और भी चला सकते थे। बहुत बड़े फैन है, होपफुली आपने अच्छा एंजॉय किया होगा।